और उसके बाद जैसा कि मेरा हर बार होता है कि मुझे एक चैलेंजिंग गाना मिलता है, तो इस बार भी मेरे दोस्त असल दोस्त साहिल ने ये गाने किए हैं और बहुत ही खूबसूरत कवाली है जो कि मेरे हिस्से में आई है। मैं दिल से बधाइयाँ देना चाहूँगा वलमा डेयरिंग बाज के जितने भी कास्ट हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, चाहे वो स्टार कास्ट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, सभी के लिए बहुत ही दिल से बधाइयाँ। और जी बात करें फिल्म जो राइटर है, डायरेक्टर है जावेद हाशमी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? राइटर देखिए, जावेद भाई ने बहुत ही डेयरिंग का काम किया है डेयरिंग बाज बनाने में, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जावेद भाई की जो मेहनत है वो रंग लाए और उनको जो जो उन्होंने ये डेयरिंग बाज के लिए पहल की है, आज मुहूर्त है गाने का, और गाने की मुहूर्त से, गाने के लिरिक्स से, गाने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये गाना जो है वो फिल्म में किस जगह होना चाहिए, और फिल्म की उनके पहलू ही नज़र आने लग जाते हैं। डेयरिंग बाज से आप सब समझ ही गए होंगे कि डेयरिंग बाज का मतलब क्या होता है, तो इस फिल्म में वलमा जो है वो डेयरिंग बाज है, और जावेद भाई ने जो डेयरिंग की उसके लिए बधाइयाँ तहे दिल से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी फिल्म के इस मौत के गाने में सबसे पहला गाना मेरा है, तो मुझे बड़ी खुशी है। और मैं अपने जितने भी चाहने वाले, जितने भी मेरे यार हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जावेद भाई की इस फिल्म को ढेर से ज़्यादा तादाद में जाएँ और अच्छे से इस फिल्म को सक्सेस बनाएं। जी सर, मुहूर्त का है, संगीत में माहौल है, तो दो लाइन आपका मनपसंद गाना दस प्लीज क्या है? देखिए क्या है, पहले डिस्क्लोज नहीं करना कोई मनपसंद, क्योंकि डेयरिंग बाज जो भी है, धम धम धड़म धड़ यार सबसे बड़े लड़े यार ओमकारा, सो इट विल बी लाइक, इट कैन बी लाइक, बट आई होप कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा और बहुत ही अलग कहानी होगी जिसको जावेद भाई आप सबके सामने पर्दे पे लेके आएंगे, और इसके म्यूजिक के थ्रू भी मुझे पता चल रहा है कि कितनी बेहतरीन फिल्म होगी, और आई एम श्योर कि अल्लाह इसे कामयाब करे, मालिक इस पर जितने भी कास्ट हैं, जितने भी इसमें एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, वो सभी मेरे भाई बंधु हैं, सभी मेरे दोस्त हैं, तो सभी के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं, सभी को मेरी तरफ से बधाई है कि ये फिल्म जल्दी से जल्दी सक्सेस का वो होना बने जहाँ पे सभी अपने आप को सेंड करते हैं, तो फिल्म भी जाके वहीं पे हमें अभी एक मिसाल कायम करते हैं। दो लाइन आपका मन पसंद गाना था, उसको जो हिट रहा है? मेरा मन पसंद, मेरे मन पसंद आपका जो सारे गाने हैं सर, कोई एक हिट नंबर दर्शकों के लिए? मैं अपने ही गाना गाता हूँ भाई। आपके आने फिल्म जो कि बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी फिल्में होती है, और हम बहुत सारी फिल्मों के लिए काम करते हैं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मैं काम करता रहूँ, बाहर आने वाली चीज़ मेरे उसके लिए सरप्राइज़ होती है, हम सभी आर्टिस्ट के लिए सरप्राइज़ होता है। बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा जो है वो ऐसे ही तनिष्क बागची के यहाँ ऐसे ही घूमने गया था, उसने दो लाइन गा दी और वो गाना लखनऊ सेंट्रल में आ गया, तो ये मेरे लिए क्या, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, उनको पता ही नहीं होता, ढेर सारे गाने गा के आते हैं और हम ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा गाना कब बाहर आएगा और किसकी आवाज़ में आएगा। इतने सारे गाने हैं, इंशाल्लाह कि जो भी गाने हैं वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आए, और इस तरह ही आप लोगों का प्यार और आपकी मोहब्बत जो है वो कुछ नाचीज के साथ बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एंड आप सबके लिए तहे दिल से सारे त्योहारों की बधाइयाँ, जितने भी आने वाले त्यौहार हैं, जितने भी गए हैं वो त्यौहार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, सभी को राजा हसन से तहे दिल से मुबारकबाद। जितने चैनल्स हैं उन सबके चैनल, उन सभी चैनल्स के व्यूअर्स को पोजिंग फॉर द पिक, इट्स नॉट लाइक दैट वी आर स्टैंडिंग लाइक अ स्टैच्यू। वलमा डेयरिंग बाज जितने भी गाने हैं पसंद आएगा, और बड़े दिल से गाने बनाए गए हैं आज के भी गाने और इससे पहले की जितने भी गाने, सब बहुत अच्छा है। वलमा डेयरिंग बाज है, देख लेंगे गाने सर, और कौन कौन सिंगर गाने वाले हैं इसमें? देखिए इसमें सभी अच्छे सिंगर गाए हैं, और गाया और गाया
Thank you, sir.